इतना ही नहीं, ये भी दिमाग में आता है कि किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, पता नहीं मैंने ओपीडी प्लान लिया तो क्या इनका भी वेटिंग पीरियड लगेगा या नहीं। दोस्तों ये ओपीडी प्लान क्या होता है, सुना है कभी इसके बारे में? एक ऐसा प्लान जिसमें एडमिट हुए बिना आपका पूरा इलाज हो जाए, दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर की फीस, टेस्ट के खर्चे आपको ना देने पड़े। ऐसी वर्किंग कहाँ मिलेगी, किस कंपनी में सबसे अच्छा प्लान आएगा, कौन सी कवरेज किसमें ज़्यादा होगी, कहाँ पर कैशलेस करा सकते हैं, कहाँ पर रीइंबर्समेंट करा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब दिमाग में आते हैं। इतना ही नहीं, ये भी दिमाग में आता है कि किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, पता नहीं मैंने ओपीडी प्लान लिया तो क्या इनका भी वेटिंग पीरियड लगेगा या नहीं लगेगा, क्या ये भी डेवन से कवर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ऐसी बहुत सारी वर्किंग हमें उलझाती हैं, हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि कोई ना कोई पर्सन, कोई डेडिकेटेड एक्सपर्ट पर्सन हमें हेल्प कर दे, हमें बता दे कि मेरे परिवार के लिए, मेरे मदर फादर के लिए या मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ओपीडी प्लान कौन सा अच्छा है। ऐसी जानदार शानदार वर्किंग हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं पिछले 22 साल से इस फील्ड में हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और दोस्तों पिछले 22 सालों से 5000 प्लस कस्टमर्स को जनरली ये सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि बेस्ट ओपीडी प्लान किस कंपनी में मिलता है, किस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवरेज मिलेंगी, आपको बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, आपको कंसल्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, आपको मेडिसिन का खर्चा पूरा मिलेगा, टेस्ट का खर्चा पूरा मिलेगा, कैशलेस ऑप्शन में भी मिलेगा, रीइंबर्समेंट ऑप्शन में भी मिलेगा, आप प्री बुक करके जा सकते हैं, आप बिना बुक करे भी जा सकते हैं, सारे ऑप्शंस हम लोग गाइड करते हैं, और पैनल हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, ये सारी वर्किंग हम लोग आपके साथ करते हैं। दोस्तों ऐसी वर्किंग पहले हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया करते थे, क्योंकि हम लोग पिछले 2015 से यूट्यूब पर हैं और जनरली लोग हमें एडमायर करते हैं, हमें फॉलो करते हैं। पहले हमारे पास एक दिन में 500-600 क्वेरीज आया करती थी, जिसमें हम जनरली उनकी पूरी हेल्प किया करते थे। लेकिन दोस्तों इंडिया में एक कल्चर है, फ्री की चीज़ लोगों को पसंद तो आती है लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं करते, पसंद तो आती है लेकिन उस पॉलिसीज को उनके साथ, जिन्होंने उसको गाइड किया उसके साथ जाना प्रेफर नहीं करते, उसके साथ ट्रस्ट का इशू आ जाता है, क्योंकि पता नहीं वो देखा तो सब कुछ, समझ में सब कुछ आया लेकिन पॉलिसी उनसे नहीं लेंगे, किसी और से लेंगे। ऐसा कुछ माइंडसेट है कुछ इंडियंस में, जो ऐसा बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा समझा, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से हमने ये सारी सर्विसेज को चार्जेबल बेसिस पे कर दिया है। यस दोस्तों, अब हम इसके लिए कंसल्टेंसी चार्ज लेते हैं, 1100 रुपीज़ का जेन्युइन कंसल्टेंसी चार्ज लेते हैं, और 100% वेवर के साथ, यानी कि 100% फ्री वर्किंग के साथ। आप जो पॉलिसीज हम आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे, बेस्ट ऑप्शंस आपको उसमें देंगे कि कौन सा ओपीडी आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा है, इसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे और शानदार तरीके से मिलेंगी और हाइएस्ट मिलेंगी, प्रीमियम भी बहुत सस्ता होगा। इसके लिए आपको ये 1100 रुपये का चार्ज पे करना होगा, और आप पॉलिसी हमारे थ्रू ले लेते हैं तो 1100 रुपये का चार्ज हम लोग वापस कर देते हैं। एक हफ्ते का ड्यूरेशन रहता है, एक हफ्ते में पॉलिसी आप हमारे थ्रू लेंगे तो 1100 रुपये आपके हम लोग वापस कर देंगे, और अगर आप नहीं लेते हैं या किसी और के थ्रू लेते हैं, कहीं भी नियर बाय या ऑनलाइन वर्किंग से लेते हैं, तो वो 1100 रुपये वापस नहीं होते हैं। अगर आपको जेन्युइनली एक अच्छा एक्सपर्ट चाहिए जो आपको सही पॉलिसीज बताए, बहुत सारे लोग पॉलिसीज में पैसा बर्बाद कर देते हैं, ऐसी है ओपीडी पॉलिसीज ले लेते हैं जिसका कोई पर्पज ही नहीं होता, जिसमें कंडीशन इतनी सारी होती है, कैशलेस नहीं होती है, नेटवर्क हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, या पैनल कैशलेस ऑप्शन नहीं होता है, और वो बाद में पछताते हैं। आपको ऐसा पछताना ना पड़े, इसके लिए एक्सपर्ट्स के साथ जाने में, 1100 रुपये खर्च करने में आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, जिससे आपका फैमिली का जेन्युइन सपोर्ट मिलेगा और आपको इसको यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है ये कंटेंट, ये वर्किंग मैं आपको समझा पाया हूँगा, तो प्लीज़ कमेंट में सब्सक्राइब, पहले कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर जरूर करें, और बताएं जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।